आतंकवाद से ग्रस्त दक्षिण कश्मीर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए जो ग्रेनेड छुपाए थे उनमें से दो ग्रेनेड 12 वर्षीय शाहिद और इखलाक 11 वर्षीय बच्चे के हाथ में आ गए। घटना धमाल हांजीपुरा में हुई है जिससे दोनों बच्चे गंभीर रूप से आज घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। इंदिरा नगर के मायावती कॉलोनी के पास राम विहार फेज 2 में एक घर में बनाए गए गैस चूल्हे के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी जिसमें एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग लोकसभा की सीट पर 2 चरणों का चुनाव शांतिपूर्वक करवाने के बाद तीसरे चरण की तैयारी कर ली गई है और पिछले 24 घंटों में 19 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी का कारण चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करवाना। आतंकियों से सख्ती से निपटने के लिए जम्मू श्रीनगर से जम्मू बारामूला राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगे हुए प्रतिबंध में से अब जम्मू से श्रीनगर प्रतिबंध तो रहेगा मगर श्रीनगर से बारामूला ये प्रतिबंध हटा लिया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 के 5वें चरण के चुनाव प्रचार के क्रम में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की नगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां करीब 1 घंटा बिताया। प्रधानमंत्री सुबह 11:35 अयोध्या से माया बाजार में बनाए गए हेलीपैड पर पहुंचे, वहां से कार के द्वारा मंच पर पहुंचे। इस दौरान हर हर मोदी, घर घर मोदी के जोरदार नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। मोदी ने अपने संबोधित की शुरुआत से ही बसपा और सपा को घेरा। इस दौरान मोदी ने लगभग 20 मिनट का भाषण समापन जय श्री राम के उद्घोष के साथ किया। हालांकि मंदिर का जिक्र से उन्होंने परहेज किया। माननीय हाई कोर्ट श्रीनगर ने मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सामिया को घेरा है और कहा है कि वह प्रिंसिपल पद पर कैसे रह सकती हैं। बहुत बड़ा झटका दिया है और सरकार को कहा है कि 3 अप्रैल को उन्हें प्रिंसिपल के पद से बर्खास्त हो जाना चाहिए था। वह कैसे लगातार इस पद पर काम कर रही हैं। श्रीनगर जाने के लिए ऐतिहासिक मुगल रोड आज एक तरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया जिसकी हर तरफ से प्रशंसा और उत्साहिता नजर आई। लंबे समय से बर्फबारी के कारण वाया रजौरी शोपिया श्रीनगर जाने वाला मुगल रोड बंद किया गया था। हाल ही में श्रीलंका में आत्मघाती हमले में बुर्का पहने महिलाओं के नाम आने से शिवसेना ने मुंबई और अन्य क्षेत्रों में बुर्का पहनकर सार्वजनिक स्थानों पर जाने की मनाही का प्रमाण जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर आत्मघाती हमले में जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए थे उसमें बुर्काधारी महिलाएं भी शामिल थी। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के बुरे दिन आज से आरंभ हो सकते हैं। दरअसल चीन ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के मामले में अब नरमता दिखाई है और बुधवार को संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण 1267 समिति की बैठक से पहले चीन ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वह अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाने के लिए जो अड़ंगा लगा रहा था उस पर पुनः विचार करेगा। ऐसे में आज इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है जो भारत और विश्व के लिए फायदेमंद होगा। अब आप पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर सामान भी खरीद सकेंगे, यानी आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे। व्हाट्सएप पर यूजर में अपने पसंदीदा ब्रांड्स और बिजनेस पर शॉपिंग करने का फीचर मिलेगा। इसकी घोषणा फेसबुक के FB एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई है।